मरियम 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 क्या कर रही हो वहाँ पे? आ जाओ कुछ खाओ आकर। नहीं मम्मा, मैं अभी प्लेन बना रही हूँ, मैं बाद में खा लूंगी। इतनी मनमानी, बहुत सर पर चढ़ा रखा तुमने लड़कियों को अपनी। अरे अम्मा कैसी बातें करती है, लड़के और लड़कियों में कोई फर्क नहीं होता, और मुझे तो मेरी बेटियां बहुत प्यारी हैं। ख्वाहिश तो मेरी भी यही थी अम्मा कि हमारा कोई बेटा हो, बड़ा होकर हमारा नाम रोशन करे, इनकी तरह आर्म फोर्सेस में जाए। लेकिन बेटियां भी कर सकती है और करेंगी इंशाल्लाह। दो डब्बे मेजर अशर के यहाँ देने हैं, और याद से उन्हें कह देना कि दूसरा डब्बा जो है वो शुमाइला बीबी का है। ठीक है? क्या है भाई तुम लोगों को, हर वक्त मिठाइयाँ बांटते रहते हो। अम्मा इस बार तो मरियम ने पूरे जूनियर सेक्शन में टॉप किया है, और आप जानती हैं ना, आपको पता तो है कि मरियम की हर अचीवमेंट की मुख्तियार को अलग ही खुशी होती है। हाँ पता है सब, सब याद है मुझे। मरियम की पैदाइश पर मुख्तियार ने 18,000 रुपये के लड्डू बांटे थे। अब यही पैसे तुम लोग जोड़ के रखते ना, उसके जहेज में काम आते। अब पता नहीं बड़ी होगी तो किस दाम में सोना बिकरा होगा। हैं अम्मा, मेरे और मुख्तियार के लिए तो हमारी बेटियां ही सोना है, बस पढ़ा लिखा के उन्हें कुंदन बना देंगे। क्या देख रही है मरियम? ये बर्ड्स मामा। मेरी बेटी हर वक्त बर्ड्स को देखती रहती है, पता ये कितना ऊंचा उड़ते हैं। मामा अगर मैं उड़ सकती तो इनसे भी ऊंचा उड़ती। मरियम मरियम क्या कर रहे हो बेटा, इतनी देर हो गई है, मारवी और शाहरुख कब से तैयार है, अभी भी ऐसी फिर रही हो। चलो घूमो। ये क्या किया है? क्या ये? मामा मुझे भी अपना नाम चाहिए, जैसे बाबा रोज अपने यूनिफॉर्म पर अपना नाम लगा कर जाते हैं। मरियम बाबा ऑफिसर है, आपने अपना यूनिफॉर्म गंदा कर दिया। नहीं मामा, यूनिफॉर्म कभी गंदा नहीं करूंगी। मामा प्लीज आप बाबा की तरह मेरे यूनिफॉर्म पर मेरा नाम लिखवा देना। जब आप बड़ी हो जाओगी ना तो मैं आपके नाम का बैज बनवा कर लगा दूंगी। ठीक है? अभी क्यों नहीं, तब तो बहुत देर हो जाएगी। अच्छा मरियम, अगली बार जब हम मार्केट जाएंगे तो मैं आपकी यूनिफॉर्म पे आपका नाम एम्ब्रॉयडर करवा दूंगी। ठीक है? अब सीधी खड़ी हो। प्लेन बनाना कोई बड़ी बात थोड़ी है, प्लेन उड़ाना बड़ी बात है। Sandwich? Thank you. Mariam, I am so proud of you. मैंने कहा था ना कि मेरी बेटी इस टेस्ट में पास नहीं होगी बल्कि टॉप करेगी। मेरा तो हमेशा से यही ख्वाब था कि मेरी मारवी डॉक्टर बने और मेरी मरियम इंजीनियर, और आज मेरी बेटी ने मेरा ख्वाब पूरा कर दिया है। बेटा ये तुम्हारी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की क्लासेस कब से शुरू होंगी? मरियम जी बाबा,
तुम्हारी यूनिवर्सिटी की क्लासेस इंजीनियरिंग की कब से शुरू होंगी? बहुत जल्दी बाबा। कॉफी? थैंक यू। तुम खुश नहीं हो? सच पूछो तो नहीं। यार कितनी मुश्किल से इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है, तरसते हैं लोग। लेकिन मुझे इंजीनियर नहीं बनना, ये पहले सोचना चाहिए था ना। मामा और बाबा की ख्वाहिश थी तो इसलिए मैंने सोचा कि कर लेती। हाँ तो फिर अब क्या हुआ है? चार महीने से यूनिवर्सिटी जा रही हो, अब क्यों छोड़ोगी? यार मुझे एयरफोर्स में जाना है। सीरियसली? हाँ तो इंजीनियरिंग अच्छी नहीं लगती, यूनिवर्सिटी नहीं जाना, एयरफोर्स जाके इंजीनियर बनना है। ये किसने कहा कि एयरफोर्स में जाके इंजीनियर बनना है? तो फिर जीटी पायलट बनना है और मुझे यूएसए का प्रेसिडेंट। जाओ जाके सो जाओ और ये खिड़की बंद करो, मच्छर आ रहे। मैं सीरियस हूँ मारवी। यस आई नो। It's not that easy. Air force है, मजाक नहीं है। लेकिन बाबा एक दफा कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं है ना? फिर वही बात। बेटा अभी पहला सेमेस्टर खत्म हुआ है तुम्हारा और तुम पूरा साल एयर फोर्स ज्वाइन करने के लिए लगा दोगी, जाया हो जाएगा साल। अब सारी जिंदगी गलत प्रोफेशन में जाया करने से बेहतर नहीं है कि एक साल आप सही प्रोफेशन के लिए जाया कर दें? मरियम मख्तियार, कोशिश कर लेने में कोई हर्ज तो नहीं है। ठीक, कर दो अप्लाई, लेकिन एक बात याद रहे, इस सिलसिले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा, जो कुछ करना है तुम्हें खुद करना होगा। पक्का? डन। ठीक, थैंक यू बाबा। थैंक यू मामा। खेल समझ रही है एयरफोर्स को? इतना आसान नहीं है पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन करना। मरियम तुम अब तक तैयार क्यों नहीं हुई हो? यार मैं अपने टेस्ट की तैयारी कर रही हूँ। गॉड, इंजीनियर बनने के लिए तो इतनी मेहनत नहीं करी जितना आप पीएफ में एडमिशन के लिए कर रही हो। लेकिन मैं साफ साफ बता दूं, अगर कोई फेल हुआ ना तो रो रो के मेरा दिमाग खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। ना मैं फेल होंगी ना मैं रोऊंगी, तो मेरा दिमाग ना खराब करो या प्लीज इसे यहाँ से ले जाओ। चलो भाई। अच्छा जा रहे, लेकिन तुम्हारे लिए क्या लाए, पीएफ बर्गर या मिराज शावरमा? यार शाहरुख मेरी पूरी कैलकुलेशंस खराब कर दी तुमने। अच्छा सुनो, मेरे लिए जूस ले आना प्लीज। अच्छा ले आऊंगा, इसी काम के लिए रह गया हूं मैं। गेम
मरियम एक दफा फिर सोच लो। बाबा मेरा इंटरव्यू होने वाला है और आप मुझे डिस्करेज कर रहे हैं। डिस्करेज नहीं कर रहा, खुदा ना खास्ता इंटरव्यू में फेल हो गई ना तो ज्यादा डिस्टर्ट होगी। ये आपने मुझे रिटन टेस्ट से पहले भी कहा था, याद है आपको? बेटा रिटन टेस्ट में अक्सर लोग पास हो जाते हैं। मैं इस पे भी पास हो जाऊंगी अगर आप मुझे इस तरह डिस्करेज करना बंद कर दें तो। मेरी बात समझने की कोशिश करो, एक दफा आगे बढ़ गया ना जो फिर उसका वापस आना बहुत मुश्किल होता है। तो आपको क्या लगता है मैं एयरफोर्स छोड़ के आ जाऊंगी? एयरफोर्स बहुत टफ है पापा, वो तो इंजीनियरिंग भी टफ है। पायलट की लाइफ हर वक्त रिस्क पे होती है, हवा में जहाज होता है, कभी भी कुछ हो सकता है। वो तो मैं हर रोज यूनिवर्सिटी जाती हूँ, 10,000 एक्सीडेंट्स होते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी गाड़ी आपको आके हिट कर सकती है, तो क्या मैं यूनिवर्सिटी जाना बंद कर दूँ? लाइफ तो है ही रिस्क ना बाबा। किताबें पढ़ने से इंटरव्यूज क्लियर नहीं होते। तो फिर कैसे होते हैं? प्रैक्टिस करने से। मरियम मुख्तियार, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आई एम मरियम मुख्तियार सर, आई गॉट एन ए प्लस इन माय इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन एंड देन आई डिसाइडेड। लेट मी टेल यू समथिंग, वी आर वेरी सेंसिटिव अबाउट ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। टेल मी समथिंग अबाउट मरियम दैट दिस फाइल डज नॉट कंटेन। दिस फाइल कांट टेल यू हाउ पैशनेट dedicated Mariam Mukhtiyar would be as an Air Force officer, but it can only be shown in the sky as an Air Force pilot. Okay, Mariam, tell me what makes you think that Air Force will select you as a lady officer? My faith in Pakistan Air Force, sir, as it selects only the best. अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें पता है फरहान का सिलेक्शन हो गया एयरफोर्स में? अच्छा, बहुत मुबारक हो आंटी। लेटर कब मिला? आज सुबह ही, और जिस जिसने अप्लाई किया उन सबको मिल गया, तुम्हें नहीं मिला? मैं घर जाके पूछती हूँ। चलो खुदाफिस। आबिद भाई। वालेकुम अस्सलाम। मेरा कोई लेटर आया? नहीं भाई।
छतरी वाले का मुझ पे है साया, कैसे मुझको अंबर पे धरती से लाया, जाऊं मैं जो आगे रे माए कैसा लागे रे माए कैसा लागे रे। Hi. 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 I'm Maryam Mukhtiyar. I'm Sadaf. और मैं मारो। कहाँ से आप दोनों? मैं लाहौर से हूँ। और मैं क्वेटा से। क्वेटा? मैं भी बचपन में क्वेटा में रही हूँ। अच्छा, कितना अरसा? 4 साल। Ladies and gentlemen. Gentlemen, welcome to PF Academy Rizalpur. तुम फिल्मों में काम करने आए हो? आपका यूनिफॉर्म कितना अच्छा लग रहा है ना? बहुत। Shut up. This is not a kitty party going on. Get to shun. I'm by your side. Together. Chin up. माल लोड है जो ऐसे भेड़ बकरियों की तरह टहल रहे हो? Why are you dragging your bags? Hurry up, bags above your head. I said hurry up, bags above your head. I said bags above your head. Now on my call. Everybody, run up. तुम कौन सा बेड लोगी? कौन सा तुम नहीं लोगी? तो बस फिर ठीक है, जो जिस पे बैठा है वो उसका। एसी भी नहीं है ना यहाँ। हाँ, पर शुक्र करो खिड़कियाँ तो हैं। Really? मैं तो समझी खिड़कियाँ भी नहीं होंगी। Thank you.
मारवी आ जाओ। जी मामा। ये लो। कितनी उदासी हो रही है ना मरियम के ना होने से। आदत डाल लो, बल्कि आदत पड़ जाएगी। उसके तो ऐश हो गए, पीएफ एकेडमी में एडमिशन हुआ है। इस वक्त तो मैं इसमें खाने खा रही होगी, वो भी मजे मजे के। तुमने अपने बाप को नहीं देखा? सारी जिंदगी मैंने फौज में गुजारी है और कोई ऐश वैश नहीं होते, बहुत टफ लाइफ होती है स्पेशली कैडेट्स की। और मरियम को बहुत सी बातें मैंने जानबूझकर नहीं बताई, कहीं वो डीमोटिवेट ना हो जाए। और कैडेट्स के लिए उनकी फर्स्ट टर्म बहुत टफ होती है, मेक और ब्रेक। या तो हिम्मत हार जाओ या फिर हिम्मत पकड़ लो। Cadets, how is the food? Fine, sir. This is Pakistan Air Force Academy. You've got 10 seconds to finish your food. Your time starts now. Time up. How many people have drunk cocktail? Good. Hands down. अब आप में से तीन लकी लोगों को एक स्पेशल कॉकटेल पिलाई जाएगी। Well, cadets, this special cocktail is made up of ketchup, chicken, दाल, cold drink. Now milk. You. Aviation cadet in charge, sir. You. Aviation cadet Ali, sir. Little lady cadet. You at the end. Mariam. Aviation cadet Mariam, sir, ma'am. You will be the third one. Yes, ma'am. ये किस चीज की आवाज है? छछुंदर की। छछुंदर भी होते हैं यहाँ? हाँ, एयरफोर्स वाले बता तो रहे थे यहाँ सब होता है। अच्छा, अब डराओ नहीं मुझे, सो जाओ। तुम्हें नींद आ रही है? सोना तो पड़ेगा ना, सोएंगे नहीं तो जागेंगे कैसे? अच्छा प्लीज लाइट ऑफ मत करो, मुझे अंधेरे में नींद नहीं आती। ठीक है। माय कैसा लागे रे। माय
ब्लॉक क्लियर करने का टाइम हो गया और नाश्ते के लिए सिर्फ 2 मिनट हैं। रोजाना इतने बजे उठना पड़ा करेगा हमें? आई थिंक सो। वैसे बारिश हो रही है बाहर, लगता है असेंबली कैंसिल ही हो जाएगी। शायद। प्लीज मान दो। कैडेट्स रन टू द ग्राउंड। यस मैम। चलो चलो चलो। Everyone, stand to proportion. I don't want to see any lousy movement here. Why are you laughing? That was mine. I am feeling proud to be a part of PM Academy, sir. Shut up. I'm going to make your life hell over here. Yes, sir. The cadets change next time. Introduce yourself. Aviation Academy from 132 GDP, sir. Gentlemen, you need to tell me your hometown as well. I am from Faisalabad, sir. Next one. Aviation Academy, Jai, sir. From 21 NSD from Azad Kashmir, sir. All of you. Fill it the damn chair. 1, 2. Hand behind your neck. Give them number 30. Start. 1, 2. Ready well. Great job. 1, 4. Ready, cadet. Introduce yourself. Aviation cadet Sadaf. 132nd GDP course. First term from Lahore, sir. The connection is next to us. Aviation cadet. Aviation cadet. Shut up. Stand here. Louder. Aviation cadet Mariam. 132nd GDP code. First term, sir. Didn't I tell you to tell me your hometown as well? From Karachi, sir. Stand, Lushan. Stand up. Okay, look. Which is it? Why didn't you wish? Assalamu alaikum, sir. Is this the way to wish? Say it louder. Assalamu alaikum, sir. I can't hear you. Say it louder. Assalamu alaikum, sir. Stop it. Now touch to hit that pillar. Wish that pillar. Assalamu alaikum, pillar. Assalamu alaikum, pillar. Assalamu alaikum, pillar. Shut up. Look at yourself. Pathetic turn out. Pathetic way of marching. Is this the way to march? Now you are going to turn towards the class, do a 120 degree marching, and you are going to wish each and every pillar on your way. Is that clear? Yes, sir. Turn towards the class. Buzz off. Assalamu alaikum, pillar. 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 Bismillahir Rahmanir Rahim. Today I welcome you all here at PF Academy Risalpur. You are aviation cadets who have joined the Air Force to become the fighter pilots, engineers, and support branch officers. Your aim is one, that is that you have to work with integrity and honesty to defend this motherland. You are going to guard this motherland in the peace, and you will be ready to give your lives once the time comes. Our main aim here is to train you all to become the Ghazis and Shaheeds, like and you see the pictures placed to the left and right. Aviation cadets, from now on, you will put on all your efforts with full integrity, motivation, and train yourself so that you are there at the time to present your life for the defense of this nation. Pakistan Zindabad. Pakistan Zindabad.
लगता है गलत फैसला कर लिया। मैंने भी। अब क्या करें? दुआ ही कर सकते हैं। घर वालों से बात करें? कर लो जो 30 सेकंड की कॉल अलाउड है तुम्हें। बहुत अच्छा किया बेटा तुमने फोन किया, तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत याद कर रही थी। अच्छा बाबा, मम्मा कहाँ है? बाबा थोड़ा सा जल्दी, कॉल का ज्यादा टाइम नहीं है। हाँ बेटा सबर करो, वहीं जा रहा हूँ उसके पास। एक मिनट। रियाना, तुम्हारी बेटी का फोन है। मरियम, हेलो मरियम। हेलो मम्मा। मम्मा तुमने ये सब करना ना मरियम, तो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मम्मा इट्स टफ, आई कांट डू इट। यू कैन, दैट इज व्हाई यू आर देयर। मरियम ये तुम्हारी अपनी चॉइस थी, और तुम कोई आम लड़की नहीं हो जो जरा जरा सी बात पे परेशान होकर माँ को फोन करे और रोना शुरू कर दे। मामा लेकिन ट्रेनिंग कर करके हाथों पे निशान पड़ गए, पैरों में दर्द होता है। मरियम तुम अपनी माँ की वाहिद बेटी नहीं हो जिसके साथ ये हो रहा है। तुम्हारे साथ और भी तो लोग हैं ना, वो भी तो किसी के बच्चे हैं, किसी की औलाद है, उन्हें भी दर्द होता होगा, निशान पड़ते होंगे। तो क्या करें, भाग जाए छोड़कर? सारे लोग इस तरह से चले गए तो एयरफोर्स में कौन रहेगा? एक बात याद रखना मरियम, अब तुम सिर्फ मेरी बेटी नहीं हो, यू आर अ डॉटर ऑफ द सॉइल नाउ। अच्छा मामा, आई नीड टू गो, बाद में बात करूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या बात है, सब ठीक है ना? इसके हाथ और पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। वाजी की बेटी है। Raffle up everybody, raffle up. Get your raffle correct. You don't know how to hold the raffle. Catch it up everybody, catch up. One step, go, chal!
मारवी की शादी थी तो मैं कैसे रोक सकती थी? हैं? वो लोग बहुत रोकते रहे मुझे, कहते रहे नहीं अभी ना जाएं, बाद में चली जाएं, लेकिन मैंने कहा नहीं मैं तो जा रही हूँ। तो अच्छा क्या रहा, आप आ गई, आपके बगैर तैयारी कैसे हो सकती है भला? बिल्कुल। और वो कहे मरियम कहे? हाँ अम्मा, आप क्यों भूल जाती हैं कि मरियम अभी यहाँ नहीं होती, अकेडमी में होती है। अरे हाँ भूल ही जाती हूँ, वो अकेडमी में होती है। कौन अम्मा, कौन होती अकेडमी? अरे मरियम, और कौन? तो फिर ये आपके पीछे कौन खड़ा है? अस्सलामुअलैकुम दादी। हाय, ये तो वाकई सच याद है, अभी मरियम का नाम लिया, मुझे लग रहा है सामने मरियम खड़ी है। जरा दोबारा देखें। दादी मरियम। मेरी जान, कितनी प्यारी लग रही है। मामा। मेरा बच्चा। माँ कैसी है? आपको ठीक से दिखाओ तो सही मुझे। कितनी प्यारी लगी मेरी बेटी यूनिफॉर्म में। माय फ्लाइंग ऑफिसर। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव यू एक्चुअली डिड दिस। बहुत मुश्किल था भाई। वैसे मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा ये तुम हो। क्यों? पता नहीं कुछ अजीब सी लग रही हो। क्या अजीब सा?
I don't know. रंग इतना काला क्यों हो गया तुम्हारा? और मुझे तो आंखें भी थोड़ी छोटी लग रही है। और नाक थोड़ी सी मोटी, कान लंबे, है ना? मरियम, इस होली में तुम्हें कौन पसंद करेगा? हाँ तो ना करे यार, मुझे किसी को पसंद करवाना है भी नहीं। अच्छा चलो, और तस्वीरें तो दिखाओ। ये वाली देखो। वैसे मैंने सुना है एयरफोर्स में लड़के बड़े स्मार्ट और गुड लुकिंग होते हैं, तुम्हें नहीं कोई पसंद आया? या तुम किसी को? ये एयरफोर्स है यार, यहाँ पे किसी के पास टाइम नहीं होता कि एक दूसरे की शक्लें देखें या फिर फ्यूचर के बारे में सोचें। एक दिन गुजर जाए ना, बड़ी बात है। फिर भी क्या हो गया है तुम्हें? जब से बात पक्की हो गई आंटी नहीं हो गई हो? हाँ बन गई हूँ, सो वॉट? तो उसमें इतने फख्र करने की क्या बात है? व्हाटएवर। अच्छा देखो एक सेकेंड, एक और चीज़ दिखाती हूँ मजे की। हेलो। हाँ मारुख। मरियम, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अयाज का प्लेन क्रैश हो गया है। मरियम ढोलती छोड़कर क्यों आ गई? क्या हुआ है? हम हमारे बहुत अच्छे पायलट थे, मारो के इंस्ट्रक्टर, उनका प्लेन क्रैश हो गया। आई एम सो सॉरी बेटा। अगर मुझे डर लगता है किसी बात से तो वो यही है, लेकिन मैं क्यों सोचती हूँ ऐसी बातें? चलो मामा आप सोचा करें, अगर प्लेन क्रैश होता है ना तो कुछ नहीं बचता, मिलता है तो सिर्फ कोयला या राख। फजूल बातें क्यों कर रही हो मरियम? आप ही ने तो कहा था मामा मैं डॉटर ऑफ द सॉइल हूँ, तो बस फिर हौसला करें। इतनी बहादुर कब से बन गई? पहले तो ऐसी नहीं थी। एयरफोर्स ने कर दिया और आपके और बाबा के भरोसे ने। सदा सलामत रहो। चले मेहमान बैठे। मेहमान भी बैठे, तुम्हारी बहन भी बैठी है।
मुझे तो लोग बहुत पसंद आए और लड़का भी बहुत अच्छा है। ये रखो। मामा आप मेरी शादी की बात कर रही हैं? नहीं तो, वो हमसायों की बेटी है ना, उसकी शादी की बात कर रही हूँ। नहीं मामा, आपको पता है अभी मुझे शादी नहीं करनी, अभी तो पास आउट हुई हूँ और एयर फोर्स ने इतना पैसा लगाया है और मैं शादी करके घर बैठ जाऊँ। किसने कहा घर बैठने के लिए? लड़का खुद एयर फोर्स में है, तुम्हें घर क्यों बिठाएगा? मरियम, तुम्हें अगर कोई पसंद है तो मुझे बता दो, मुझे कोई एतराज नहीं होगा और तुम्हारे बाबा को और मुझे खुशी होगी। तुम खुश होगी तो हम खुश होंगे। मामा अगर ऐसा हो तो मैं सबसे पहले आपको बताती। अच्छा खैर, नाम क्या है? कैसर, तुम्हारे सीनियर्स में से है। मेरा सीनियर कैसर? कैसर कौन है? मुझे तो याद नहीं आ रहा। मिलवा दो, मिल लो, मिल लो, मिलने में कोई बुराई नहीं है। ये रखो। अपने घर जाकर तोड़ना जो तोड़ना होगा। थैंक यू फॉर कमिंग सर। इट इज माई प्लेजर मैडम। और मैडम, आपकी और क्या हॉबीज हैं? वाहिद हॉबी तो मेरी एयरफोर्स ही रह गई है। कोई म्यूजिक वगैरह नहीं सुनती आप? म्यूजिक का तो हर किसी को शौक होता है, मैं समझे आप किसी खास हॉबी की बात कर रहे हैं। आपको बुरा तो नहीं लगा? क्या आपके लिए प्रपोजल भिजवाना? नहीं, इट्स ओके। मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में जो भी सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे। आपके पेरेंट्स के अलावा भी आपके बारे में अच्छा सोचने वाले काफी लोग हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गिफ्ट मिल गया आपको? हाँ, अभी अभी मिला। क्या भिजवाया आपने? आप खुद खोल कर देख लें। अच्छा, एक सेकंड होल्ड करें। एक सेकंड, मैं खोल रही हूँ अभी।
हेलो थैंक यू सर प्लेजर इज ऑल माइन आप खुद ही गाएंगी या फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगी फ्रेंड्स के बगैर तो जिंदगी अधूरी है कैसे नहीं शेयर करूंगी मुझे भी अपना दोस्त ही समझे कोशिश करूंगी थोड़ा वक्त लगेगा अच्छा लेकिन आंटी तो कह रही थी कि आप हर काम बहुत जल्दबाजी में करती हैं अच्छा तो मामा ने आपको सब कुछ बता दिया मेरे बारे में काफी कुछ अच्छा आप सुमयानी कब जा रहे हैं दो हफ्ते बाद बेस्ट ऑफ लक थैंक यू एक बात कहूं जी कहिए एक इंजीनियर के तौर पर मैं आपको इतना गाइड नहीं कर सकता लेकिन आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू बोथ प्रोफेशनली एंड पर्सनली थैंक यू सर और आपका साथ मेरे लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और आपका एतमाद सबसे बड़ा हौसला बाकी चीजें तो बहुत छोटी पड़ जाती हैं अच्छा मैं कराची जा रही हूँ मामा बाबा से मिलने वापस आऊंगी तो फिर एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी चलें आंटी अंकल को सलाम दिएगा मेरा हाफिज खुदा हाफिज सीट रिजर्व है आप यहाँ नहीं बैठ सकती मेरी बेटी सर्विंग ऑफिसर है मैम शोदास की फैमिली इसके रिजर्व है काइंडली आप पीछे तशरीफ एक्सक्यूज मी थैंक यू कहाँ बैठे बेटा आपको क्या कर रहा है थैंक यू एक्सक्यूज मी थैंक यू एक्सक्यूज मी मामा आप यहाँ पर बाबा आप आ हाँ सॉरी मामा मुझे ख्याल नहीं आया आपको बुरा तो नहीं लगा कैसी बातें कर रही हो बेटा दे डिजर्व टू सिट इन फ्रंट शहादत का रुतबा बहुत बड़ा है सबको नसीब नहीं होता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खवातीन व हजरात हेलो कैसे आप मैं ठीक हूँ आपका सुबह फ्लाइंग मिशन है ना जी मरियम आपको डर नहीं लगता नहीं बिल्कुल भी नहीं इसमें डरने वाली क्या बात है जिंदगी तो बस यूं ही चलती रहती है कभी कभी जिंदगी रुक भी जाती है कुछ खास लोगों को कुछ हो जाए तो लेकिन हम एयरफोर्स के लोग हैं मौत की आंखों में आंखें डालकर जीते भी हैं और मरते भी हैं लेकिन अगर आप पैसे कहेंगे तो मैं बुजदिल हो जाऊंगी और बुजदिली से बढ़ के कोई मौत नहीं होती कभी कभी आप मुझे बिल्कुल हैरान कर देती हो हैरान करती हूँ ना आपको परेशान तो नहीं करती ना करना भी बात नहीं करूंगी वादा वादा नहीं कर सकती क्योंकि शादी के बाद तो आपको तंग करना मेरा हक होगा और इंसान को वैसे भी हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए फिर कब बात होगी आपसे कल फ्लाइंग के बाद सबसे पहली कॉल आपको करूंगी आंटी को भी कर लेना मामा को कैसे बोल सकती हूँ उनको तो हमेशा करती हूँ अच्छा सुबह जल्दी उठना है खुदा हाफिज खुदा हाफिज
फ्राइड एग। आज मरियम का मिशन है ना, आज ऑमलेट खाकर गई होगी, मेरा दिल कहता है। क्यों? क्योंकि आज मेरा भी दिल चाह रहा है ऑमलेट खाने को। तो खाओ। आबिद, मेरे लिए ऑमलेट बना दो प्लीज। छतरी वाले का मुझ पे है साया, कैसे मुझको धरती से अंबर पे लाया, जाऊं मैं जो आगे रे माए कैसा लागे मैंने आगे बढ़ना था हद से गुजर।
May I now request the parents of Flying Officer Mariam Mukhtiar Shaheed, Tamghay Bisalat, kindly come on the stage and receive the award. I would request the parents to kindly come and say a few words. मैं कर्नल मुख्तियार अहमद मरियम मुख्तियार शहीद का प्राउड फादर मरियम मुख्तियार ने शहादत का रुतबा हासिल करके मुझे और मेरे मुल्क को बहुत बड़ा एजाज दिया है. मैं पाकिस्तान एयरफोर्स का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरी बेटी को इस काबिल किया कि वो मुल्क और कौम पर कुर्बान हो सके. बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान एयरफोर्स. अस्सलाम वालेकुम. मैं मरियम मुख्तियार की मां. जब मरियम ने एयरफोर्स ज्वाइन की तो मैंने उसे यही कहा था कि तुम हमारी बेटी तो हो बट नाउ यू आर अ डॉटर ऑफ द सोइल. मरियम मेरी बेटी थी लेकिन कौम की बेटी भी थी और कौम पर कुर्बान हो गई. हमारी मरियम तो चली गई लेकिन आपके घरों में एक एक मरियम है. आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि अपनी अपनी मरियम को कौम की अमानत और अल्लाह की रहमत समझ कर पा ले. शुक्रिया. आसमानों से जुड़ जाना माँ कैसा लागे से बादल ने उड़ना हवा में मेरी सांसें चलती हैं बहती खला में. मैंने ऐसी पहनी है तारों की माला बिजली जैसे चमक